और चलिए सीधा विधानसभा का रुख करते हैं। हमारे साथ राकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पूरी कार्यवाही दिखाते हैं सदन की, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। तो सीधे चलते हैं हमारे साथ राकेश हमारे संवाददाता, सबसे पहले ये जानकारी देंगे हमारे साथ राकेश, अभी फिलहाल क्या कुछ माहौल है विधानसभा का, क्या मंत्रियों के नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, सत्र की शुरुआत कितने बजे से होगी, हमारे दर्शकों के समक्ष जानकारी साझा करें। राकेश मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, जाहिर तौर पे आज एक बहुत अहम दिन है, आज छठा दिन है विधानसभा सत्र का, 1932 खतियान के आधार पर लंबोदर महतो इस वक्त विधानसभा के बाहर प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों पर बैठा है। पार्टी के अपने मित्रों को याद दिलाना के लिए बैठा हूं कि पिछली सरकार में उनके सदन नेता ने क्या कहा था, आपने फुटेज तो ले लिया होगा मेरे ख्याल से, या दोहरा दूं? देख लीजिए, मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि इनके सदन नेता ने पिछले कार्यकाल में जब डबल इंजन की सरकार थी तब यह कहा था। आप इस बात को स्पष्ट जानते हैं कि राज्य सरकारों के पास 50% से अधिक आरक्षण देने की शक्ति नहीं है। केंद्र ने जब EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की तो केंद्र ने राज्यों को अनुमति दी, केंद्र ने राज्यों को निर्देशित किया, जिसके चलते झारखंड में आज सामान्य आरक्षण 50% और 10% आरक्षण EWS को है। हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं ये सदन में दोहरा चरित्र प्रदर्शित न करें। जब इनकी सरकार थी तब तो इन्होंने दिया नहीं, आज हेमंत सरकार अगर करना चाहती है तो केंद्र सरकार से अनुमति दिलाने का कष्ट करें। तो जेएमएम बीजेपी के विधायक इस वक्त धरने पर है, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर लंबोदर महतो अपने हाथ में तख्तियों को लेकर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताएं कि बजट सत्र का आज छठा दिन है, इस दिन आज के दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होना है, आय और व्यय को लेकर सदन में वाद विवाद होगा, लेकिन इससे पहले जो प्रदर्शन की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है इस बात की तस्दीक करती है कि आज किस तरीके से विधानसभा का सत्र हंगामेदार होना है, क्योंकि कई सारे ऐसे मसले, एक तरफ जहां आजसू पार्टी आज विधानसभा सत्र के ठीक एक दिन पहले सरायकेला खरसावा और देवघर जिले में मशाल जुलूस निकालकर अपने कार्यकर्ताओं से विधानसभा घेराव में शरीक होने की अपील की थी, उसके बाद जिला प्रशासन को एक हाई लेवल मीटिंग करना पड़ा किस तरीके से राजधानी रांची कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाए, और आज सबसे अहम दिन जब विधानसभा में प्रश्नकाल होना है, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।